हल्द्वानी के बनभूपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर से चार दिन पहले लापता हुई दो नाबालिग बच्चियों के घर आज विधायक सुमित हृदयेश पहुंचे, जहां विधायक सुमित हृदयेश ने लापता बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की है और SSP खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नैनीताल पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति ना करने की बात कहते हुए कहा कि भाजपा के कुछ अनुसांगिक संगठन इस मामले में बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। आखिर ये लोग अंकिता भंडारी मामले में कहां गायब थे? उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर दोनों बच्चियां सकुशल घर नहीं आती तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कल इस मामले को लेकर DIG से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी से चार दिन पहले दो नाबालिग बच्चियां लापता हुई थी और समुदाय विशेष के युवक पर बच्चों को ले जाने का आरोप है। पुलिस इस मामले में कई टीमें लगाकर छानबीन में जुटी हुई है। ये पुलिस से भी क्या बात हुई आपकी? नहीं देखिए, पुलिस प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता करी, उन्होंने मुझे आश्वस्त कराए कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पे ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है, तो सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियाँ अपने घर से बिना कपड़े लत्ते ले गए, बिना 2 रुपये उनके पास पैसे नहीं थे और ऐसे लापता हो गई। और ये वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ कि इस पर राजनीति करने का प्रयास करा जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो जाके हाउ हल्ला कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें ये विषय मिलता है जहाँ पर धार्मिक उन्माद का उछाल कर सकें वहाँ अवश्य वो बहुत ज़ोर से। देखिए, बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले काम कोई अगर ये करता है तो हम लोग करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि हमारी ये भी बच्चियां हैं, एक ऐसी हमारी बेटी इस प्रदेश की अंकिता भंडारी, उसके न्याय के लिए भी एक दिन अगर ये थाने का घेराव करें, कहीं पे पुतला दहन अपनी सरकार का करें या VIP का खुलासा की अगर ये मांग करें तो मैं मानूंगा कि हर दृष्टि से सर्व समाज के लिए इनकी सोच। परिजनों को किस तरह का ढांढस बताया भी आपने मिलकर? देखिए, मैं इन परिवार वालों को जानते हैं, आज से नहीं 50 साल पहले से यहाँ रहते हैं और पुराने लोग हैं, और वो कह ही रहे थे कि हम आज आपके पास आने वाले थे, अच्छा हुआ आप ही आ गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं आया हूँ और 24 घंटे में अगर बच्चियाँ यहाँ नहीं आती हैं तो कल कांग्रेस का एक शिष्टमंडल, क्योंकि हमें पता है तरीका क्या है, हाउ हल्ला हंगामा करने से अगर हमारी बच्चियाँ लौट आएँ तो हंगामा सबसे पहले कांग्रेस करेगी, लेकिन हंगामा इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है कि पुलिस तुरंत से तुरंत अपनी कार्रवाई करे, अपना कार्य करे और हमारी जो बच्चियां हैं, वो केवल इनकी बेटियां नहीं, पूरी हल्द्वानी की बच्चियां हैं, सुरक्षित तौर पे इनके घर पे पहुंचा दीजिए। ठीक है।